नहीं तो 15 साल तक ऑपरेशन थिएटर बंद पड़ा था, आज की डेट में इस अस्पताल में सैकड़ों ऑपरेशन हो चुके हैं। अब देखिए सीधी सी बात है कि जब स्टाफ आया, ऑपरेशन थिएटर चालू हुआ, सैकड़ों ऑपरेशन हुए, कुछ समस्याएं हमारे सामने आई, कुछ कंप्लेंट हमारे सामने आई, जिसके लिए हम लोगों ने थोड़ी धैर्य रखा क्योंकि विकल्प नहीं था, बहुत जल्द उसका भी हल किया जा रहा है। जहां तक पैरामेडिकल स्टाफ की आप बात कर रहे हैं तो 2 या 3 नर्सें अभी जो हैं आ चुकी हैं, अब जो पुराने नर्सें हो चुकी हैं वो रिटायर होकर के चली गई, जो पिछला स्टाफ था जिनकी एज हो गई वो रिटायर होकर के चले गए, उनकी जगह पे 3 नए आ गए। लेकिन इसके साथ ही मेंबर ऑफ पावर HS चुग साहब चंडीगढ़ मुख्य कार्यालय BBMB चंडीगढ़, हम लोग मीटिंग लेकर के आए हैं, लगभग 32 मिनट तक वो चर्चा चली, जिसमें मां रुद्राणी जनसेवा सोसाइटी के द्वारा हम लोगों ने ये मांग की है कि BBMB अस्पताल के अंदर ICU का बेड होना चाहिए, BBMB अस्पताल के अंदर डायलिसिस की मशीन होनी चाहिए, BBMB अस्पताल के अंदर ब्लड बैंक होना चाहिए, BBMB के अंदर जो पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है उसको पूरा किया जाना चाहिए। जब कभी इमरजेंसी दवाई की जरूरत पड़ती है तो व्यक्ति बाहर क्यों जाए, तो 24 आवर आपके अंदर पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, बाद में चाहे अंदर से बिल काट करके दे दो, लेकिन पेशेंट के साथ जो केयर टेकर आया उसे बाहर बार बार मत भेजिए। और भी डॉक्टर की कुछ कमी है, उस चीज के लिए चर्चा हो रही है, ये सारी चीजों की चर्चा की जा चुकी है। हमें अल्ट्रासाउंड की मशीन जो बंद पड़ी थी, डॉक्टर्स के ऊपर एलिगेशन लगे थे, डॉक्टर गुरदीप जी का देहांत हो चुका हुआ है, तो अल्ट्रासाउंड की मशीन जो है वो मुकेरिया से उसको रिलीज करवा देना चाहिए BBMB को। फिर ये चर्चा हुई कि डॉक्टर नहीं है, तो हम लोगों ने एक विचार रखा जी, एक सुझाव दिया, हमने कहा कि भाई साहब ऐसा है कि डॉक्टर गुरदीप जी भी जो है 3 या 6 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद उनको सर्टिफिकेट मिला था, आप भी BBMB अस्पताल से किसी भी MBBS या MD डॉक्टर को PGI में ट्रेनिंग कराने के बाद 3 या 6 महीने के बाद उनको लाइसेंस अलाउ हो जाएगा और आप ये अल्ट्रासाउंड की मशीन उनके नाम पर चढ़ा सकते हैं। तो अल्ट्रासाउंड की मशीन के लिए जो डॉक्टर चाहिए उसकी कमी को पूरा किया जा सकता है। सबसे बड़ा प्रश्न, बाकी बचे डॉक्टरों की पूर्ति कैसे हो। माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जब ये जनयाचिका दायर की गई थी तो माननीय हाई कोर्ट ने कुछ आदेश दिए थे, कोरोना आ गया, कोविड आ गया, BBMB की गलती रही, सैलरी पैकेज कम रखा गया, वो कुछ चीजें पूरी ना हो पाई, जिसके लिए लगातार हाई कोर्ट बंद रहे। आप मीडिया वाले हैं भाई साहब, आपको ज्यादा पता है कि कोर्ट की कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई थी, इमरजेंसी केस ले रहे थे। तो BBMB ने जो स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करी है, उस स्टेटस रिपोर्ट बहुत जल्द लिस्टेड होने वाली है, उस स्टेटस रिपोर्ट के ऊपर हम लोग कंटेंप्ट दायर कर रहे हैं, हमारे लिखित जवाब यहां से हमारे वकील के पास जा चुके हैं। मुझे लगता है बहुत जल्द बचे हुए डॉक्टर भी जो यहां पे आने चाहिए थे, खाली वैकेंसी है या पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, वो भी बहुत जल्द पूरी होने वाली है। हमारी टीम तो ये चाहती है कि BBMB अस्पताल में ICU भी होना चाहिए, ताकि ये जो सीमावर्ती क्षेत्र में गरीब परिवार है उन्हें बाहर ना जाना पड़े। सबसे बड़ी बात, एक और चीज इसमें ऐड करूंगा, हम लोगों ने एक प्रश्न ये भी रखा है, BBMB NHM के पैटर्न पर अपनी जो है डॉक्टरों को अपॉइंट करें, आपकी सैलरी कम है सैलरी पैकेज को बढ़ाइए। और हाई कोर्ट से, माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से हम लोगों ने हाथ जोड़ करके निवेदन ये भी किया कि माननीय हाई कोर्ट अगर BBMB डॉक्टर नहीं देती है तो BBMB अस्पताल के अंदर NHM के द्वारा 3 या 4 डॉक्टर कार्य कर रहे हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो आप लोग NHM को ही आदेश दे दीजिए, जिनके डायरेक्टर शायद कुमार राहुल जी हैं, कि आप प्लीज इस हॉस्पिटल में बचे हुए जो चाइल्ड के, ऑर्थो के, मेडिसिन स्पेशलिस्ट के डॉक्टर हैं उनको पूरा कीजिए। जी 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 बिल्कुल, मैं डॉक्टर ग्लोरिया मसीह जो मैडम हैं, उन्होंने अभी तक मुझे लगता है 150-200 से ऊपर डिलीवरियां इस हॉस्पिटल में कर दी हैं, डिलीवरीज हो रही हैं। बीच में कुछ समस्याएं आई थी, कुछ परेशानियां आई थी कुछ किस्सों को लेकर के, चाहे वो डॉक्टर्स की हो या किसी पेशेंट्स की कोई प्रॉब्लम थी, वो हमारे ध्यान में आई थी, जिसके लिए बहुत जल्द हमारी टीम सिविल सर्जन जिला होशियारपुर डॉक्टर रंजीत जी से मुलाकात करेगी और इस विषय में पूर्ण रूप से चर्चा भी की जाएगी।
जी जी आप बहुत सही कह रहे हैं। पहली बात तो ये कि बीबीएमबी से हट करके नहीं, ये जो बीबीएमबी की कॉलोनी है ये बीबीएमबी की ही है जो खंडर का रूप ले रही है। इस विषय के ऊपर भी हम लोगों ने काफ़ी एक्सरसाइज की हुई है, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हम लोगों ने तैयार की है, ये सारे कागज हैं, जैसे T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, 1T8, 2T8, ये दो कोठियाँ चेयरमैन और चीफ की हैं। इसके अलावा T7 तक के जो क्वार्टर्स हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है T1, T2, T3 का। मैं आप सभी का ध्यान इस तरफ केंद्रित करना चाहता हूं कि महारद्राणी जनसेवा सोसाइटी का प्रत्येक सदस्य वचनबद्ध है। हम सभी लोगों ने मिलकर के आवाज बुलंद कर दी है इन सभी खाली मकानों के लिए। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। लगभग 2000 खाली मकान पड़े हैं, चाहे वो T1 के हो, T2 के हो, T3 के हो, T4 के हो, T5 के हो। क्या आवश्यकता आन पड़ी थी कि 2002 या 2003 में 300 क्वार्टर तोड़ करके उनको रॉक गार्डन बनाना पड़ा, और उस रॉक गार्डन के अंदर वो भी सुचारू रूप से नहीं चल रहा, जिसका ठेका भी इनको लेट लेट करना पड़ता। इन्होंने प्लान करवाया, सेक्टर 2 में लोगों को बसाया, सेक्टर 2 के T3 के क्वार्टर जो नए बने थे वो वैसे के वैसे बने रह गए, लोग रिटायर होते गए, इन्होंने किसी प्रकार की भर्ती वहां पर नहीं की। हम लोगों ने कुछ CA अपने बिठाए, हमने आर्किटेक्ट बिठाए, हम लोगों ने जब इस चीज का अनुमान लगाया, हैरान करने वाले आंकड़े हमारे सामने आए हैं कि इन 2000 खाली पड़े फ्लैट्स को यदि आज बनाया जाएगा, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को, जमीन, सीवरेज, इन सभी चीजों को बाहर रख दीजिए, यदि इन खाली मकानों की बिल्डिंग को हम लोग बनाते हैं तो साथियों 226 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री श्री कहते हैं कि बेघर को घर दिया जाए, आवास योजना के तहत दिया जाए। मैं आपके माध्यम से यह अपील करना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से कि मोदी जी यहां पर आपको पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, केवल मात्र 1.5-2 करोड़ में या 4 करोड़ में या 6 करोड़ में मेंटेनेंस हो जाएगी, आराम से यहां पे लोग रह सकते हैं। इसका प्रपोजल भी तैयार करके दिया बीबीएमबी को। साहब काफी सारी चीजें लिख करके दिए कि ये तो मान लो। हम लोगों ने कहा 2010 से लेकर के 2020 तक अलग अलग आंकड़े T1, T2, T3, T4, T5, T6, उसके अलग अलग किराए निश्चित किए गए। निश्चित करने के बाद हम लोगों ने कहा कि यदि बीबीएमबी हर साल में तो पैसे का मूल्य बढ़ता है, महंगाई के हिसाब से रेट दर बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग रेट को भी बढ़ाते हैं। अगले साल में इसको 200-300 और बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद इन 10 सालों में बीबीएमबी कम से कम 30 करोड़ रुपए कमा सकती थी, लेकिन बीबीएमबी ने इसका इनिशिएटिव नहीं लिया। आज हालात ये है कि कोई भी शरारती तत्व, चाहे वो आतंक के रूप में क्यों ना हो, इन खाली मकानों में पनाह ले सकता है। नशेड़ी व नशा करने वाला व्यक्ति छुप करके अंदर नशा कर सकता है। इन बिल्डिंग को आज देखा जाए, जो ये दुर्दशा हो रही है, दुर्गति हो रही है, इस प्रॉपर्टी की जो ये आज सेफ नहीं है, ये सरकार की संपत्ति नहीं है, हम सब की संपत्ति, ये बीबीएमबी केयर टेकर है साहब। फंड कहां से बनता है? अगर एक छोटी गुड़िया ये सामने बैठी है, अगर एक टॉफी भी खाती है तो उस पर भी टैक्स है। बेशक माँ बाप पैसे देते हैं, अगर आप तेल डलवाते हैं उस पर भी टैक्स है। हर जगह हम लोग टैक्स देते हैं। वो टैक्स जब एक जगह पे प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो जाता है, वो बजट का रूप ले लेता है। सरकार उसे बजट के रूप में पेश करती है, उसके बाद अलग अलग रूप से जो है उसको डिवाइड किया जाता है। तो साथियों, ये हमारी संपत्ति हुई कि नहीं हुई, इस पर हमारा अधिकार हुआ कि नहीं हुआ रहने का, और ऐसे अधिकार नहीं हुआ। सरकार केयर टेकर है, सरकार इस चीज को जो है समय दे दिएगा कि आप इसको बनाइए, बना करके इसकी अच्छी व्यवस्था कीजिए। क्या बीबीएमबी इन सभी स्ट्रक्चर को बनाने के बाद इसको अच्छे रूप से चला पाई? कुशल रूप से बीबीएमबी अपना कार्य कर रही है, लाखों लोगों को बिजली पहुंचा करके करोड़ों रुपए कमा रही है। कमा रही है कि नहीं कमा रही है? लेकिन वहीं अगर देखा जाए, एक क्लास से अफसर लेकर के फोर्थ क्लास तक का कर्मचारी इस तलवाड़ा में रहता है, उनके लिए ना अच्छी स्वास्थ्य सुविधा है और प्रॉपर रूप से ना कोई एजुकेशन की व्यवस्था है। इसके लिए भी हमारी टीम जो है लगातार निरंतर प्रयास कर रही है।
एचएस चुग साहब से इसके लिए मेरी चर्चा हुई थी। टू बी फ्रैंक, कोई अच्छा रिस्पांस नहीं आया। अच्छा रिस्पांस लेकर के आएंगे, उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। वो लड़ाई आप अच्छे से जानते हैं कि हमारी टीम जब लड़ाई लड़ती है तो कैसी लड़ती है, पीछे नहीं हटेंगे। जी देखिए, पहले तो मैं इस विषय में आऊं कि मारुद्राणी जनसेवा सोसाइटी ने क्या किया। बड़े छोटे से शब्दों में मारुद्राणी जनसेवा सोसाइटी का आपके समक्ष रखूंगा। साथियों, मारुद्राणी जनसेवा सोसाइटी, मारुद्राणी जनसेवा सोसाइटी ने अब तक लगभग 11 जरूरतमंद परिवारों की लड़कियों की, यानी 11 लड़कियों की शादी में सहयोग कर चुकी है। मारुद्राणी जनसेवा सोसाइटी ने खेलों को प्रोत्साहन देते हुए कम से कम 35 गांवों में अलग अलग जगह पर हम लोगों ने युवाओं को खेलने के लिए सामग्री दी। जब कर्फ्यू लगा था तो 26 मार्च से एसडीएम साहब ने हमें परमिशन दी। परमिशन देने के बाद जब हम लोगों ने राशन सेवा शुरू की तो लगभग 1000 से अधिक परिवारों तक हम लोगों ने राशन पहुंचाने का प्रयास किया डोर टू डोर, जिसके लिए स्वयं एसडीएम साहब ने मारुद्राणी जनसेवा सोसाइटी को प्रशंसा पत्र देकर के भी सम्मानित किया। उसकी एक कॉपी। इतना ही नहीं, जिस प्रकार कुछ बच्चे पढ़ना चाहते हैं, अच्छा उनको मतलब की शिक्षा चाहिए, उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि पास के एक गांव से एक सरपंच की कॉल आती है कि एक ये जरूरतमंद परिवार है, इसकी सहायता की जाए, ये बच्ची पढ़ना चाहती है। लॉकडाउन में ना दिहाड़ी लगी ना कुछ हुआ, तो कॉलेज की फीस उस बच्ची की, उस बच्ची को अडॉप्ट करके जहां तक वो पढ़ना चाहती है उसका शिक्षा का जिम्मा हमारी टीम ने लिया और 10,000 रुपए की उसकी कॉलेज की फीस की। दसुआ में एक कैंसर पीड़ित परिवार जो है उसकी मदद के लिए हमारी टीम तुरंत आगे गई। स्वयं फास्ट वे न्यूज, पब्लिक स्पोर्ट न्यूज भी हमारे साथ वहां पे थी। खबर हिमाचल ने भी इस चीज को पॉइंट आउट किया था, पीटीसी न्यूज ने भी पॉइंट आउट किया था। तो हम लोगों ने जब वहां पे गए तो वहां पे 11,000 रुपए की नगद राशि सहायता के रूप में, एक महीने का राशन और आगे भी जो सहायता उस परिवार को चाहिए, और स्वयं मंत्री जी से भी उनकी बात करवाई गई थी कि जो जो इलाज फ्री हो सके या जो जो आगे चीजें चाहिए उसके लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे। इस प्रकार से हम लोगों ने वहां पे बात रखी। जरूरतमंद दो परिवारों के घर टूट चुके थे लॉकडाउन में तेज बारिश आने की वजह से, तो उन दोनों घरों की मकान की मरम्मत भी जो हमारी टीम ने मारुद्राणी जनसेवा सोसाइटी ने साथियों की, जिसमें से एक पास में ही घर है, चाहे आप पूछ भी सकते हैं डोगर से, जिनकी पूरी मेंटेनेंस करके उनको रहने योग्य वो घर बना करके दिया। सबसे बड़ी बात साथियों, सबसे अहम और सबसे बड़ी बात, मारुद्राणी जनसेवा सोसाइटी ने एक एम्बुलेंस की सेवा भी साथियों शुरू की, जो कि एक बड़ा जरूरी एक था विषय। मारुद्राणी जनसेवा सोसाइटी ने एम्बुलेंस की सेवा शुरू की, जिसमें एक चीज कंडीशन रखेगी, जो बहुत गरीब परिवार है वो सिर्फ तेल डलवा करके जहां तक जाना चाहता है वहां जाए। इसके अलावा 10 रुपए किलोमीटर किराया जो है नियुक्त किया गया, बढ़ा करके 11 कर दिया गया, और जो कोई जिसका कोई भी नहीं है आगे पीछे, जो अकेला है उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस दूर पार जाएगी। इस प्रकार की सेवा हमने एम्बुलेंस की भी साथियों शुरू की। अब जब कोई बीमार हो जाता है इमरजेंसी में, तो वो व्यक्ति जब यहाँ पर ऑफिस में या हमारी टीम मेंबर के किसी सदस्य के पास जाता है तो उसकी दवाई हो या आने जाने का किराया हो, उसके लिए भी हमारी मारुद्राणी जनसेवा सोसाइटी लगातार सेवा करती है। आने वाले समय में हमारी टीम क्या क्या कार्य करने वाली है, जो ये पीछे काम हुए हैं मारुद्राणी जनसेवा सोसाइटी के, वो निरंतर कार्य इसी प्रकार चलते रहेंगे, और इसी के साथ ही मारुद्राणी जनसेवा सोसाइटी आगे भी इससे बढ़िया करने का प्रयास करेगी और इनकी संख्या को भी बढ़ाएगी। सबसे बड़ी बात, एक अलग चीज मारुद्राणी जनसेवा सोसाइटी प्रोजेक्ट के रूप में लेकर के चली है, एक प्रपोजल के रूप में लेकर के चली है मारुद्राणी जनसेवा सोसाइटी साथियों। अब एक संख्या निर्धारित करने के बाद जो बच्चा 11वीं 12वीं तक, नर्सरी से लेकर के 12वीं तक, गरीब परिवार जो बहुत निम्न स्तर परिवार से आता है, चलो स्कूल की फीस और बाकी चीजें तो सरकार व्यवस्था करती है, इसके अलावा जो ट्यूशन पढ़ना चाहता है उसके लिए बहुत जल्द निर्धारित करने के बाद संख्या ट्यूशन की व्यवस्था शुरू की जाएगी।
कि उस व्यक्ति को ट्यूशन के पैसे ना देने पड़े, एक छोटा सा मारुद्राणी जनसेवा सोसाइटी के द्वारा सेंटर खोला जाएगा जहां बच्चे आकर के फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशंस पढ़ेंगे और अपने नोट्स लेंगे। इसके अलावा भी शिक्षा में उन्हें जहां जहां जरूरत पड़ेगी तो मारुद्राणी जनसेवा सोसाइटी उनको पढ़ाने के लिए पूर्ण प्रयास करेगी और स्पोर्ट्स को भी आगे लेकर के चलेगी। साथियों, इसी के साथ ही जो आपका हाई कोर्ट में पहले केस हुआ था उसके स्टेटस रिपोर्ट के ऊपर कंटेंप्ट दायर करके सारे डॉक्टर यहाँ पर लाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। निरंतर सारी चीजें की जा रही हैं। ये अस्पताल किस प्रकार से अच्छा बने, किस प्रकार से आईसीयू आए, इस चीज के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। यह तलवाड़ा मेरी जन्मभूमि है, यह तलवाड़ा मेरी कर्म भूमि है। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हम लोगों ने अभी मुद्दे को छोड़ा नहीं है। बस इसको पूरा कैसे किया जाए, हम लोग इस तरफ लगे हुए हैं। इन 7-8 महीनों की गतिविधियां हमने आपके समक्ष रख दी हैं। साथियों, आप सभी को जान करके एक और प्रसन्नता होगी कि मां रुद्राणी जनसेवा सोसाइटी के द्वारा, या मैं यूं कहूं तो मां रुद्राणी जनसेवा सोसाइटी के लगभग 40 गांव में टीम काम कर रही है और मां रुद्राणी जनसेवा का सोसाइटी का परिवार जो है उसमें लगभग 1122 परिवार सम्मिलित हो चुके हैं। साथियों, ये तो अभी शुरुआत है। एक और चीज, बीवीएमबी में किस प्रकार से विकास हो, इस विषय की तरफ मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये देखिए, ये चेयरमैन साहब को देख करके आए हैं, बाबा रामदेव पतंजलि योगपीठ, वहां पे भी ये लेटर स्पीड पोस्ट हो गया है, उनसे मिलने का बहुत जल्द प्रयास किया जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, उनसे भी अब मिला जाएगा शनिवार को टीम के साथ। हम लोग चाहते हैं कि बीबीएमबी अगर अपनी जमीन देना चाहती है तो लीज पर दे, अगर बीबीएमबी जमीन नहीं देती है तो किसी भी जमीन पर आकर के कोई बड़ा उद्योग लगे, क्योंकि बीबीएमबी इस जगह पे जहाँ पे हम लोग रहते हैं तलवाड़ा के आसपास गांव में बेरोजगारी बहुत है, बच्चों को कमाने के लिए दूर पास जाना पड़ रहा है, लेकिन हाथ में पूर्ण रूप से खर्चा भी नहीं निकल पाता, इतनी सी ही माया मिल पाती है, इतने से ही पैसे मिल पाते हैं। हम लोग चाहते हैं कि पोल्यूशन वाली फैक्ट्री हमारे तलवाड़ा में ना आए, यहाँ पे अगर कोई फैक्ट्री आए तो नेचुरल केयर वाली आए। इसीलिए बाबा रामदेव से अपील की जा रही है कि बाबा रामदेव जी, हाथ जोड़ के विनती है कि इस कंडी क्षेत्र को भी देखिए, ताकि पंजाब और हिमाचल प्रदेश, हिमाचल की मीडिया भी आई है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश दोनों प्रदेशों के जो ये भाई भाई हैं, हमारा यहाँ पर थोड़ा देखा जाए और यहाँ के निम्न स्तर के जो लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनको रोजगार भी मिले, यहाँ पे फैक्ट्री जो है खोली जाए। और मैं समझता हूँ कि केंद्रीय राज्य मंत्री श्री माननीय सोम प्रकाश जी के पास, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट MOS है, उद्योग मंत्रालय, ये हमारा सौभाग्य है और ये सौभाग्य बना रहना चाहिए, क्योंकि उनके पास उद्योग का मंत्रालय है, उनके कार्यकाल में यहाँ पर उद्योग जरूर आना चाहिए। इसके लिए हम लोग पूरी टीम मिलकर के, ये बुजुर्ग साथी हमारे पूरे सक्रिय मेंबर वहां पर जाएंगे और उनसे निम्न निवेदन करेंगे कि आप यहां पर उद्योग लेकर के आए, तलवाड़ा में उद्योग आए, तलवाड़ा में अच्छा अस्पताल हो, तलवाड़ा के खाली मकान जो हैं किराए पर दिए जाएं, इन खाली मकानों के लिए भी इनिशिएटिव बीबीएमबी ले सकती है। हमने आंकड़े तैयार किए हैं कि यदि आज भी बीबीएमबी पीछे ना हटते हुए इनको किराओं पर देगी तो कब लगभग 5 करोड़ रुपए बीबीएमबी साल का कमा सकती है, तो बीबीएमबी को चुकना नहीं चाहिए। जहां तक जाना पड़ा इस तलवाड़े के विकास के लिए, मारुद्राणी जनसेवा सोसाइटी, ये आपका बच्चा शिवम शर्मा, सुप्रीम कोर्ट तक भी अगर जाना पड़ा तो हमारी टीम हटेगी नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे, तलवाड़ा बसा करके रहेंगे। और के क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम साथियों, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। को प्रोत्साहन देते हुए मारुद्राणी जनसेवा सोसाइटी ने लगभग 70,000 रुपए खर्च किए, हमारे सारथी जिनके बिना हमारी ये एम्बुलेंस नहीं चल सकती, जगजीत सिंह रिंकू जी जो हमारे ड्राइवर हैं, बहुत नेक कार्य कर रहे हैं, उनके लिए क्लैपिंग जी।
रिंकू जी की जो सैलरी गई 54,000, ऑफिस रेंट 17,700 रुपए, जनरल एक्सपेंस जिसमें एम्बुलेंस भी ऐड है 2,92,245 रुपए, एम्बुलेंस का मेंटेनेंस रिकॉर्ड 6,03,538 रुपए, सॉरी एम्बुलेंस मेंटेनेंस का 63,558 रुपए। साथ ही यदि कुल मिलाकर के मैं अगर आपको कहूं तो मारद्राणी जनसेवा सोसाइटी ने इस पूरे समय में 11,00,000 रुपए लगभग खर्च किए हैं। साथियों, इसके अलावा मारद्राणी जनसेवा सोसाइटी ने जब राम मंदिर की घोषणा हुई थी कोर्ट से कि राम मंदिर बनेगा, और जब नींव पत्थर रखा गया था माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, उस समय में मैं आपको बताना चाहूंगा कि शहर तलवाड़ा के अंदर लक्ष्मीनारायण मंदिर से लेकर पूरी सड़कों पर 2100 दिए हमारी महिलाओं के और साथियों के द्वारा, बुजुर्गों के द्वारा वो दिए जलाए गए। साथियों, इतना ही नहीं, एक चीज और, जब धन संग्रह की बात आई, मारद्राणी जन सेवा सोसाइटी को जिम्मेदारी दी गई कि आप लोग धन संग्रह कीजिए, कलेक्शन कीजिए, राम मंदिर निर्माण हेतु मारद्राणी जन सेवा सोसाइटी की टीम के द्वारा जो कलेक्शन हुई है साथियों लगभग 80,000 रुपए हो चुकी है, और आगे भी प्रयास जारी है। लगभग 80,000 रुपए मारद्राणी जन सेवा सोसाइटी के द्वारा कलेक्शन करके राम मंदिर निर्माण हेतु दे दिए गए हैं, जिसके लिए हमारी पूरी धरना टीम यानी ये मारद्राणी जनसेवा सोसाइटी बधाई की पात्र है। साथियों, एक बार जोरदार तालियां सोसाइटी के लिए।